मास्टर जी जब वो पकड़ी जाए ना चोरी, फिर बोले ना कर बोला तो मीठी देख ले यो तुम अपने घर जमा के दूसरे ही राखो। ओ गोरा अब मोर ना दिया हक नो सोटा ही लिखा नो पर दिखे तो ओ गोरा भैरिया क्या चोरी पकड़ गई तो इधर आओ। काहे बोले बाबा काहे बोले बाबा इतना नाराज होवे हैं लागे हैं भंगिया कम चढ़ी से भोलेनाथ। ओ तेरे थूतरे में सूखे कांटे भरवा दूं। क्या मीठी बोल रही है, अरे तेरी चोरी पकड़ ली आज मैंने। काहे गणेश के बापू, बस तू गणेश कोई नाम मत लेने में चूल्हे में बैठ जा बेटा। अरे तो कौन है और है कोई गणेश जी को नाम ले रही ना भोलेनाथ। हाँ क्या आज भंगिया नहीं पी क्या? अरे भंगिया ना तेरी चोरी पकड़ी गई है और सामने आया चोरी। हाँ और रोज करती है, आज पकड़ी है मैंने। नहीं और नहीं भोले बाबा मैंने कोई चोरी नहीं की है। तू चोरी रोज करती है। कैसी बात कर रहे हो भोलेनाथ, मैंने आज तक चोरी नहीं की है। हाँ नहीं की तो एक बात बता। बोलो। रोजाना सिंगार बना के कहाँ जाती है तू? जाती है बता। अब क्या यार लाइन पे मने लगा कि जब मैं सिंगार बना रही थी छुपके तो आज मुझे भोलेनाथ ने देख लिया है। हाँ। अब मैं कैसे बताऊं? अगर बताऊं तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। भोले बाबा हाँ। ये सिंगार वाली बात हाँ। मैं आपको नहीं बता सकती। पूरा हम पूछ रहे हैं वो बता ही नहीं सकती। नहीं बताऊंगी। अरे माना के तू पार्वती है, माना के तू पार्वती है, पार्वती नहीं रूपमती है, पर आंख खोल के देख तेरे सामने खड़ा हो तेरा पति कैलाश पति है। बता रहे हैं ना? जल्दी बता। जब पति परमेश्वर वाली बात आई बिल्कुल पति परमेश्वर तो गौरा बताने लगी। हाँ। भोलेनाथ हाँ। अगर आप नहीं मानते हो तो मैं आपको बतलाती हूँ मैं अपना सिंगार बनाकर कहाँ जाती हूँ। बिल्कुल बता। भोलेनाथ मैं अपना सिंगार बनाकर उस कान्हा की उस छलिया की मैं तो रास देखने जाती हूँ भोलेनाथ। एक बात बता गौरा, तेने चोरी नहीं महाचोरी किया। ये कोई चोरी वाली बात है? और आप पागल जब वो पैदा हुआ था हाँ। और जब हमें कोई ना दर्शन दे रहा हम राख लपेट के भैरूपिया बन के भूतनाथ बन के वहां दर्शन करने गए। अच्छा और तू जावे कहां है? कृष्ण भगवान की रास देखने के लिए हाँ। मैं जाती हूँ वृंदावन धाम। वृंदावन धाम हाँ जी भक्तो, उसमें एक निधि वन है। हमारे टेलीविजन पर एक चैनल आता है इंडिया न्यूज, वहाँ एक संवाददाता भेजा गया, वहाँ क्या था के निधि वन में 1608 वृक्ष हैं। ऐसा विचार है लोगों का जो रात को गोप का बन जाते हैं। मंदिर के अंदर एक पान का बीड़ा, एक बिस्तर बिछाया जाता है, एक प्रसाद का रखा जाता है, एक दांतों रखी जाती है और ताला लगाकर सब जीव वहां से चले जाते हैं। संवाददाता ने देखा है कि बंदर भी जा रहे थे, कुछ उन्होंने देखा भी होगा और उन्होंने यहां तक अपना यकीन करने के लिए अपना एक आधी हकीकत आधा फसाना आता है, उसने ताला भी डाल दिया उसमें। लेकिन सुबह को दांतों चबी मिली, पान का टुकड़ा चबा हुआ मिला, प्रसाद बिखरा हुआ और खाया हुआ सा मिला। तो ऐसा विश्वास है कि कान्हा और रास रचाने आज भी आते हैं और ये गौरा रोज रास देखती है। भाई गौरा तेने बहुत ही जुलम किया है। ये कोई जुलम वाली बात नहीं है बोले ना। रोज रास देखती है, आज कन्हैया की रास देखने हम चलेंगे। कंट्रोल करो भोलेनाथ। बिल्कुल चाल मने मत कर दिए। कृष्ण भगवान की रास देखने के लिए हाँ वहाँ कोई भी मर्द नहीं जा सकता भोलेनाथ। मर्द जाएगा तो मर जाएगा। अरे हम सब जाने वाले कन्हैया हैं, वो कन्हैया बहरूपिया तो हम भोलेनाथ कम ना बातें बहरूपिया। अरे आदमी जाएगा हम मर वो अभी बात काटा को। अच्छा और तुम मर जाओ तो जैसा कहते रहे तुम हाँ हाँ करते रहो, आज रास देखने हम चलेंगे। देखिए भोलेनाथ रास देखने कोई मर्द नहीं जाता, केवल औरत ही जा सकती है। औरत हाँ जी चल तो हमें
करने पर है, तू जो कहे नाले में गिर जाए नाले में गिर जाएंगे पर रास देखेंगे। नाले में गिर के क्या करोगे? रास देख। अगर नाले में गिरने से बात नहीं बनेगी, अगर भोलेनाथ आपको रास देखनी ही है तो आपको जनाना भेष बनाना पड़ेगा। अरे तू मौत सुन, कन्हैया तो जन कहा का बने, हम बन जाएंगे तो कब? तो कोई पुरानी चुंदरी लहंगा है? चुंदरी और लहंगा, लहंगा और कुछ नहीं है। और कछु का रास्ता में हाथ सर पर हाथ ले लेंगे। लो ये लो चुंदरी भोलेनाथ। अल्लाह चले लो। हाय हाय, कैसे भोलेनाथ रास देखने चल रहे हैं? जनाना भेष बना करके कृष्ण भगवान की रास देखने के लिए जाते हैं। आइए भक्त, बड़ा प्यारा भजन है। ये हमारे पेट वाले गुरु जी के चुप से बैठ गए सरवान जी, ये देख रहे हैं तुम्हें कि जनाना कैसे बनेंगे ये। ना ना, ये सूदी उल्टी कितने हो हमने का ओढ़ी है। हाँ, ऐसे इधर से सूदी है। चल चल, तो भाई देखो रास, एक बात और सुन। हाँ जी। अगर हम रास में पहुंच जाए सो भेष बना के, और कन्हैया हमें काई तरह से पहचान ले, तो वहां से हम बचाने पड़ेंगे। बचाने नहीं, अगर इस भेष में तुम कान्हा ने देख लिए तो आपको 3 साल ऐसे ही भेष में रखेगा वो छलिया, ध्यान रखना इस बात का। तू आ कन्हैया कहेगी, हमारी कहेगी? मैं तो तुम्हारी कहूंगी। बच्चों हमको चिंता ही ना, लेकिन जनाना बन तो रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही बनना है जैसे हम हैं, कोई भी कमी ना रह जाए। नहीं सारी पोल पट्टी खोल देंगी सखियां, बहुत चालाक सखी भी मिलेंगी। हाँ जी, तो एक काम कर, जो कमी हो तू बता, चलिए हम पूरी कर चलेंगे। ठीक है, बनो जनाना। और एक लहरदार चुंदर, अच्छा दांत भीच भीच का गा रहा है। तू रास दिखाता है? अच्छा हाँ। रास क्या ऐसे देखोगे? चल रहे हैं, बिल्कुल बनो औरत जैसे। एक लहरदार चुंदर और माथे पे डाल के जाओ, भोला पे बन गया भोली। हाँ, ताली बजा दो। चुंदरी डालने से ही औरत थोड़ी बन गए हो तो कहीं ना हाथ रस में सामान दबा दिए, अभी तो बहुत कमी है औरत बनने में। चल बता कहाँ कमी है? ताऊ हाँ। तुम बोल रहे क्या ना, कमी है या ना? कहाँ कमी है बता सही, एक बात बता हम पूरी करेंगे। सारी कमी है भोलेनाथ, बोल सुनिए। हाँ हाँ, क्या बात है गुरु? ये तो बताओ कहाँ छुपेगी? क्या ये तो बताओ कहाँ छुपेगी ये कंठी ये माला? बोले बाबा कंठी माला छिप जाएंगी? कंठी माला बहुत लटका रखी है गले में। सब छिप जाएंगी, तू सखियां हंसेंगी तुम्हें देखकर। तू और बता कहां कमी है? अच्छा, ये तो छिप जाएंगी, और बहुत सारी कमी है। बोल ये तो बताओ कहां छुपेगी ये कंठी ये माला? भाई ये कंठी ये माला, एक हाथ में
मैया ये तो बताओ कहाँ छुपेगी ये कंठी ये माला और एक हाथ में डमरू सोहे थारे गले सरफों की माला। ओए तेरे तो बिल्कुल सही बताई। सखी न्यू कहेंगी क्यों री हम में से किसी सखी ने श्याप नहीं गले में डाला, लेकिन ये सखी रास में कौन आई है जिसने इतने लंबे लंबे श्याप गले में पहन रखे हैं? अरे ना चिंता तो यह बात की है, कंठी माला ढोलक डमरू सब तो पक जाएंगे। अच्छा पर वहीं तो सांपन भी पता ना कहाँ लेकर पर है, और सांप लेकर पर है तो गड़बड़ है जाएगी। तो कोई झोला है? हाँ ला झोला दे। झोला में क्या करोगे? अरे तू दे तो सही झोला है, रास देखूंगा तू बहका मत बोल। और ये तो बताओ कहाँ छुपेगी ये कंठी ये माला, एक हाथ में डमरू सोहे गल सरफों की माला, तेरे गल सरफों की माला माला। झोला लगा? झोला नहीं है भोलेनाथ, मेरे पास में पर्स है। अरे चुप रे आज यहाँ पर्स कहने लगे, रंग बिरंगो है वो तो पहले तो झोला ही गए। ए गिले अब सुन सुनाओ, कंठी माला नाग धाग सब धतूरो। अच्छा इनको तो रखूंगा। ओहो झोले में डालोगे श्याप देवता को, डमरू कंठी माला सब है। आज गुरु चंद्र पूरे आ रहे हैं। हाय 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 इनको तो रखूंगा और झोले में डाल के भोला से बन गया लेकिन एक काम नहीं कर पाओगे भोले बाबा। वो कौन सा काम है जो रास में वहाँ करना पड़ता है? जितनी भी सखी रास में होती है वहाँ सभी को बड़ा प्यारा प्यारा निरत करना होता है भोले ना। क्या आप निरत कर लोगे? तू भी कर ले हो? अरे गणा का सूता करती हूँ। तो तेरे संग ही हम चलते रहेंगे न्यो। अच्छा नू ना और? ऐसे नहीं, निरत भी कई प्रकार के होते हैं। निरत होना मीठा सा। भाई मेरी बात सुन ले। हाँ तू हम पे कह नहर में गिर पर तो हम रास देखेंगे। जब नहर में गिर पर तो रास कहाँ देखोगे? और हाँ लिखा रहा को ना कोई कोई ना लिखा रहा नहर में से दूसरा नंबर है। और सुन चल हम पे आवे ना आवे भैया मास्टर जी मोर रास दिखवा दो, तुम्हारी मेहरबानी है। हाँ गुरु जी मीठा सा रिदम लेके आइए ठेका में। गारंटी मेरी रास पूरी देख सकते हो। चलता देखो सुनो भोलेनाथ तुमने तो ऐसा निरत मारा एकदम ठंडक सी पड़ गई। अरे कुछ जमाने चले गए। अच्छा जब खलील मियां फाकता उड़ावे। लेकिन भोलेनाथ इस काम को भी आप ये भी काम तुम्हारा पास है फिर का कमी है? तू भेड़ो देखन देगी ना देखन दे रहा। लेकिन एक कमी है जाना ना बनने में। एक कमी है कौन सी? और वो कमी छुप भी नहीं सकती है। बता चल
वह अच्छे पाएंगे। अच्छा पर रास देखेंगे। सुनिए। हाँ जी सुनो। बोल क्या कमी है बताइए। ये तो बताओ कहाँ छुपेगा। क्या समझ लो क्या। बोल बोल बताइए हमें नासर का कहेगी। ये तो बताओ कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी। गंगा का पानी तू रास ना देखन दे। रास क्या तुम्हें बहुत कमी है। तू मेरी तौहीन कर रही है। रास दिखाने वाले नहीं भोलेनाथ। तू मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं तुम्हारी बेइज्जती बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। गंगा जी को पानी है सभी कहते हैं। पागल के गंगा जी को पानी है। और ये गंगा जी उपाय ना कि मेरा प्राइवेट समरसेबल है। तो ये समरसेबल रास में भी चलता रहेगा कि बंद हो जाएगा। या तो कह दूंगा ढाई घंटा ऋषि के चली जा पर देखूंगा रास। चलो जी गंगा मैया भी छुपा लेंगे भोलेनाथ। ऋषि के चली जाएगी। लेकिन एक चीज कहाँ छुपाओगे। तेरा थू तरह कहाँ पिटेगा। देखो भाई सुनो मैं गलत कह रही हूँ कोई सही नहीं कह रही। एक चीज है जिससे सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अरे सुसरी वाऊ को बेनामा खत्म करेंगे हम। तू चल बोल। अच्छा हाँ का कमी है वाऊ का। सुनो बोल। अरे ये तो बताओ कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी। और कहा मर्दानी मर्दानी मर्दानिया बाजने भोला कैसे करो जनानी। तुम कैसे करो जनानी जनानी। ये तो बताओ कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी। और मर्दानी आवाज ने भोला कैसे करोगे जनानी क्योंकि मर्दों की आवाज अलग होती है। अब एक बात बताओ कि आदमी बन के ना जाओगे तो जनानी बन गए। हाँ क्या गंगा जी छिपा दे सांप उधर दे। अब मर्द अब आज में तो फर्क आई है। हम तो सूदों जो के लव भैया राजपाल हम सुनिए। और तुम बोलो ना जब सुना रहे तेरे यहाँ कोई और कोई तो ना कोई तो फर्क तो सुन। हम रास देखेंगे लेकिन बोलेंगे ना चुप ठाड़े। देखो ऐसा नहीं होता भोलेनाथ। मैं ना बोलू। बोलना पड़ता है रास में। और क्या कमी है। सारी कमी है। अरे मैं बोल और एक कमी तो ऐसी है। हाँ। जो बिल्कुल छुपने की नहीं है। वाओ बता चल पूरी बता। आज कमी नहीं दूर करके और हम रास देखेंगे। अरे ये तो बताओ कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी। करो जनानी तुम कैसे करो जनानी जनानी। और का कमी है चल वाओ निपटा। कमी हाँ। और पकड़े तुम जाओ भोला। हम काय बात पकड़े जाएंगे। अरे पकड़े तुम जाओ बाबा। हाँ। मर्दानी चाल पे बड़ी मुश्किल अटकी साहब है। रास है रही है का रास हो आपका तुम चाल पे पकड़े जाओगे। बात सही है जी के झूठ है। और हाँ सही कह रही है तू। हाँ जी का हमारी तो डग फाड़ चाल है एक है और दूसरी है। और तुम चलो भाई भीच के चाल है। तो फर्क है भाई आवाज में। तो सुनिए काम कर। हाँ। हम रास देखेंगे ना बोले ना चले। अच्छा पर रास देखेंगे भाई गौरा मने ही मत करे। मत मानो। हाँ पकड़े तुम जाओ भोला मर्दानी चाल पे। बोलाते हैं
बात नहीं मानते भोलेनाथ, और रास में पहुंच गए। अब रास में जब घूंघट करके खड़े, बोलिए। सारी सखियां कह रही हैं भोले बाबा कि ये सखी रास में कौन आई है जिसने हमें देखकर घूंघट कर लिया। का खुसर खुसर कर रही हैं? आपने देखा है कभी लेडीज लेडीज से घूंघट नहीं करती है। सखियां कह रही हैं कि ये लेडीज रास में कौन आई है जिसने इतना लंबा घूंघट कर रखा है, इसका घूंघट खुलवाओ। तू जो कहना घूंघट ही रखे परमानेंट। हां, जो कहे घूंघट ही रखे। क्यों रखे? और का कह रही घूंघट उघाड़ो। और क्या? जो कहता कि घूंघट नहीं उघाड़ेगी। क्यों नहीं उघाड़ेगी? क्योंकि ये इंटरनेशनल है। आए हाय, बड़ा फजीता। मैं ना उघाड़ूंगा। चलो मैं अपनी सखियों से कह दूंगी। और फिर? और लेकिन कन्हैया नहीं मानेंगे बगैर घूंघट खुलवाए। भाई एक बात सुन, रास को दर्शन है गए और तू तो देख रास को रहा, हमें पकड़वा मत तू कन्हैया। नहीं नहीं, हमें रकम दे। कृष्ण भगवान सोच रहे हैं क्या कह रहा कन्हैया। और नजर पड़ी जब भोले जी पे, जैसे ही भोले बाबा ने रास में कदम रखा जी, एकदम से कृष्ण भगवान की नजर भोले बाबा की तरफ गई। ये कन्हैया का और कन्हैया जी का कह रहा कन्हैया हंसने लगे। और का कहेगे मरवा में की हमें। नजर पड़ी जब भोले जी पे, कृष्ण जी मुस्काए, वो छलिया जी मुस्काए। नजर पड़ी जब भोले जी पे, कृष्ण जी मुस्काए, भाई कृष्ण जी मुस्काए। और क्या कहने लगे? क्या कह रहा कन्हैया नहीं? सब तो आए सब तो आए, बिन घूंघट में, घूंघट में कौन आए, ये घूंघट में कौन आए। सुन गोरा, खुलगी चोरी। क्या कह रहा नहीं? कौन आई है ये घूंघट में? तो तू तू आगे ठाड़ी है सके मेरे आगे ठाड़ी नहीं तू तो नौकरी में तुम्हारी कहूंगी। और पाले तो पड़ेंगे बाबा, पाले तो पड़ेंगे भोला। अरे आज नंदलाल आगे ते अंधेरो करिए, वो टक करिए था ना। अब क्या कह रही तू? पाले तो पड़ेंगे भोला आज नंदलाल के। गोरा तू तो रास देख। और तू? और भोली ते बन गया भोला। चोरी पकड़ी गई तो भागने लगे। बड़ी बाबरी है तू, पागल चोरी करके भाग जा तो वहां तो बड़ा मर्द ही ना कोई। अच्छा जी, तू वो चलंदा, लेकिन झूठ मत बोलो। कैसे? वही कहो। क्या? भोला बाबा, भोला बढ़ जाए भोली।